महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इसमें उतनी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। पावर रूम पे बहुत सारे पावर रूम लग गए हैं, हैंडलूम अब खत्म हो गया है, तो जिसकी वजह से अब डिमांड कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नहीं चल रही है, बल्कि गरीब लोग और गरीब हो जा रहे हैं, पैसे वाले हो जा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है बुनकर रहे या ना रहे। कभी कभी होता है कि छोड़ दें, लेकिन छोड़कर करेंगे क्या। बनारस में पावर लूम का जो कारोबार है, जो बनारसी साड़ियों का कारोबार है, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाए। बनारसी साड़ी का तो डिमांड हमेशा रहता है, लेकिन ये पावर लूम आने से ना साड़ियों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अब डिमांड कम है। और कुछ मतलब पहले ज़्यादातर साड़ियाँ बिक जाती थी, अब थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा साड़ियाँ बन रही है ना, रेतियर आ गया है, सूरत से टक्कर है, अब इतना ज़्यादा मार्केट में साड़ी जा रही है कि साड़ी का मंदा है, मतलब ज़्यादातर मंदा चल रहा है। 3-4 महीने हम लोग का बाजार चलता है और लगभग 7-8 महीने मंदे रहते हैं, तो स्टॉक सब लोग रख नहीं पाते हैं, तो फिर काम बंद करना पड़ता है या रोकना पड़ता है या स्लो कराना पड़ता है। जैसे अभी मशीन सब बंद है क्योंकि मंदा है, माल रखा जा रहा है, आदमी शांत है, ये ऑर्डर होता तो हम लोग दिन रात करवा के कराते काम। जैसे रोज का रोज पावर लूम बढ़ रहा है, पावर लूम एक रेपियर आ गया है, रेपियर मशीन वो बढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, डिमांड कम नहीं है। कोई कहे कि डिमांड, जब अगर डिमांड कम होता तो रोज़ मशीनें नए नए कहाँ से लगती है। और हैंडलूम भी मतलब हैंडलूम का भी डिमांड कम नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। अगर सच पूछिए तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे पावर लूम हो, चाहे रेपियर का हो। और लोगों को अब सस्ता चाहिए, जो कंपटीशन का ज़माना आ गया, सस्ता चाहिए कस्टमर को, सस्ता चाहिए। जब ज़्यादा साड़ी हो गई तो सस्ता चाहिए, अब सस्ते के लिए लोग मशीनरी भाग रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी नए नए उसको खोज रहे हैं, तो इसलिए हैंडलूम, तो हैंडलूम में तो कोई टेक्नोलॉजी कोई लगने वाला नहीं है, और हैंडलूम महंगा पड़ रहा है, तो लोग सस्ता के लिए दूसरे में भाग रहे हैं। तो देखिए पावर लूम में काम थोड़ा इजी होता है, ये हम तो चाहेंगे कि हैंडलूम पे करें, लेकिन जो हमारे कारीगर हैं या जो वीवर हैं, जो बिनने वाले हैं, वो उनको इजी काम चाहिए। इसमें क्या है, ये बस बटन दबा दिए, उनका चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, अब बैठे हैं आराम से, मशीन चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और हैंडलूम में क्या होता है, हाथ पैर आँख सारा कुछ आपको चलाना होता है, दोनों हाथ से वीविंग होती है, पैर से दबाएंगे, सब कुछ देखना होता है। एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? इसको तो बनाने में 15 दिन लग जाएगा। अभी आप बता रहे थे कि साल का 4,000 रुपए ही महीने का कमा पाते हैं। हाँ, साल भर में छुट्टी कुल ले लो, वो बैठौकी साहब, वो बैठौकी में तो पैसा मिल ही नहीं, बैठौकी का कुल जोड़ो कटवो तो 4,000 होता है। तो कैसे खर्चा चलता है? उसी में नरम गरम चलता है, ऐसा वैसा मालिक से लेते हैं, देते हैं। उसी एक सप्ताह 10 दिन बाद धागा ला रहे हैं, वैसे ही काम बंद पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नहीं चल रही है, तब तो अगर मार्केट चलती तो कौन चाहता है कि हमारा काम बंद हो। और जब पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं मंदा है, बाजार चल नहीं रहा है, साड़ियाँ कितना घर पे रखूँ, कारीगर चलाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले ऐसे हम कर रहे हैं कि कुछ साड़ियाँ चलवा कर, मतलब धागा खत्म हो जाता है तो उसको एक सप्ताह झेल देता हूँ, मैं धागा नहीं लगवाता हूँ, दूसरे को फिर लगवाता हूँ, कुछ सप्ताह चलता रहे, कोई कारीगर भाग ना पाए। तब पर भी कम हो रहा, तब पर भी कोई मजदूरी नहीं बढ़ रही है कि माल कम है तो बाजार में ओकर जैसे मजदूरन के बस हुआ है, एकर फायदा और नफा तो मालिक लोग के, सरकार का ध्यान नहीं देखा। इसका कारोबार थोड़ा और अगर बढ़े, उन मालिक को मिले तो हमको भी मजदूरी बढ़ा के मिले। अभी कितनी मजदूरी मिलती है? अभी मजदूरी यही 250-300 का हो जाता है मजदूरी, दिन का? दिन का, उससे ज्यादा नहीं? नहीं नहीं, उससे ज्यादा मतलब होगा, लेकिन अब उम्र तो अब 8 घंटा करने में थकावट आती है ना, 12-13 घंटा अगर होता तो 500 हो जाता। तो मजदूरी कितना पड़ रहा है, 350 रुपये के अगर काम कर रहा है वो, तो महीने में 30 साड़ी नहीं उतार पाएगा वो, कहीं उसको न्योता में जाना होगा, उसके घर पे भी कोई काम पड़ा, तबीयत खराब हो गया उसका, तो बहुत ज़्यादा उतारेगा तो 20-22 साड़ी उतार पाएगा वो। दिक्कत परेशानी यही है कि काम हम लोग का कुछ ठप चलता है, हाँ। मजदूरी भी सही ढंग से नहीं मिलता, और जो हम 400-500 पढ़ना चाहिए तो 200-250 से ऊपर नहीं होता, 8 घंटा 10 घंटा करेंगे।
तो खर्चा कैसे चलता है? बस ऐसे उसी में चलाते हैं, और क्या करेंगे, कोई भी औरत भी हम लोग का यहाँ वहाँ मजदूरी करती है। क्या आप लोगों की ये सारी समस्याएं क्या कभी उठती हैं? क्या वो चुनावों में आप अपनी बात रखते हैं? क्या चुनावी मुद्दा बन पाते हैं कि जो हैंडलूम के कारीगर हैं उनकी स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए? नहीं, ये सब चुनाव में ये सब मुद्दा नहीं बन पाता। मुद्दा बस सड़क, बिजली, पानी, ये सब के लेके रहता है। बुनकरों का कोई मतलब देखने वाला नहीं कि नहीं मतलब चुनाव में उसका मुद्दा कोई उठाए, कोई नाम तक नहीं लेता बुनकरों का। बुनकरों का जैसे पावर लूम का बिजली का सब्सिडी वाला था, उसमें भी कोई चुनाव के लिए चुनाव में कोई नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई उठाने वाला है। अगर कोई पहले लोग धरना प्रदर्शन ये सब कुछ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है। अरे लोग कहा के तो बहुत कुछ करत बा, लोग आवत बार कहते जात बार हो जाए हो जाए, लेकिन जब जीत गईलन तो गईलन। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरे बनारस का विकास कर दिया है, बनारस के लोग तरक्की कर रहे हैं। जो पूंजीपति है वो तो तरक्की कर ही रहा है, गरीब लोग तो अपना काम ही करेंगे ना, बल्कि गरीब लोग और गरीब हो जा रहे हैं, पैसे वाले हो जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो बिचौलिए हैं वो ज़्यादा लाभ पा पाते हैं आपके कारोबार से? हाँ, बिचौलिए तो देखिए कम पूंजी रहने की वजह से है, क्योंकि इसका बताएं आपको ना 4 महीना बाजार रहता है, 8 महीना मंदा है, और उस समय कौन संभालेगा। जो बिचौलिया थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जाते हैं अपने हिसाब से रेट लेते हैं वो। फिर देखिए ये साड़ी जाएगी यहाँ से 1500 में ये साड़ी, अब वो लगभग होलसेल में बेचेंगे अगर से तो 2500 में बेचेंगे, और जब रिटेल में जाता है ये साड़ी 4000 की बिकती है। मुख्य समस्या जैसे कि इसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, बुनकरों के लिए हैंडलूम का मजदूरी बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को मटेरियल का दाम तो वही है। अब लोग मजदूरी ही कम कर रहे हैं, जिसे सस्ता चाहिए तो क्या करेंगे, मजदूरी कम कर रहे हैं। तो पावर लूम में है वो भी पूरा पावर से ही चलता है, बिजली से ही, तो उसमें पहले सब्सिडी था, फ्लैट रेट पे था 2 किलो का 220 रुपया, अभी तो कर दिए पर मतलब मोटर पीछे 355 रुपया, इसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है सबको।